अभी हम लोग आ चुके हैं इको पार्क में, जो कि कोलकाता की शान माना जाता है। पुष्पक विमान बनाया हुआ है, हाथी की शेप है, पीछे राम जी बैठे हैं, सीता जी बैठे हैं, लक्ष्मण है और हनुमान जी बैठे हैं। ये यहाँ पे एक स्टैचू बना हुआ है तूतनखामन का, ये जॉर्डन का पेट्रा जो मॉन्यूमेंट है, ये उसका एक रेप्लिका रेडी किया हुआ है। ये इसके बाहर ग्लैडिएटर वॉरियर, बहुत से लोगों ने ग्लैडिएटर मूवी देखी होगी। हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल, की हाल चाल, मैं हूं आपका होस्ट जगजीत सिंह। चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। अभी ये हो चुके हैं शाम के 6। ये ब्लॉग जो है शाम के टाइम में शुरू हो रहा है, उसका मेन रीज़न ये है कि जो आपने पिछला ब्लॉग देखा उसके बाद आके हम लोग पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुके थे दोनों, मैं और दीप, ये साथ में दीप, बुरी हालत हो गई थी, गर्मी इतनी ज़्यादा थी। आगे हम लोग सो गए, सोने के बाद देखा तो आज का दिन हमारे पास लास्ट डे आज हमारा कोलकाता का, तो हमने कहा यार कुछ क्यों ना कुछ थोड़ा सा नाइट आउट किया जाए। कि अभी हम लोग निकल रहे हैं इको पार्क के लिए, जो कि बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत सुंदर जगह है। 7:30 बजे बंद हो जाता है, 6 हमें यहाँ ऑलरेडी बज चुके हैं, 6:30 बजे तक हम लोग पहुँचेंगे, तो जितना घूम सकेंगे घुमाएंगे आपको, दिखाएंगे, बहुत मज़ेदार चीज़ है। वैसे एंट्री 7:30 तक है, खुला 8:30 बजे तक होता है, तो बहुत अच्छी जगह है। क्योंकि देखो कोलकाता जो है रोशनियों का शहर है, सिटी ऑफ जॉय है, सिटी ऑफ लाइट है, तो यहाँ पे आपको जो सब लाइटिंग है ना वो सिर्फ वही दिखाएंगे। अब देखते हैं अपना कितना आपको आज दिखा सकते हैं, तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं इको पार्क में, जो कि कोलकाता की शान माना जाता है। यहाँ पे बहुत सी फन एक्टिविटीज़ हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे माहौल कितना हैपनिंग है। जगह जगह पे फैमिलीज अपना एंजॉय करने, फन करने आई हुई हैं। तो ये एंट्रेंस पे कितना ज़बरदस्त एक आर्ट वर्क यहाँ पे इन्होंने बनाया हुआ है, पुष्पक विमान बनाया हुआ है, हाथी की शेप है, पीछे राम जी बैठे हैं, सीता जी बैठे हैं, लक्ष्मण है और हनुमान जी बैठे हैं। अभी एंट्री करते हैं, एंट्री करके बाकी आपको अंदर का भी दिखाता हूँ सारा। इको पार्क में एंट्री करते ही ये देखिए सबसे पहले कोरोना का जो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है लोगों को अवेयर करने के लिए कि भाई इससे बच के रहो। दोस्तों मेरे पीछे यहाँ पे अभी 7 वंडर ऑफ वर्ल्ड करके एक जगह बनी हुई है, बहुत बहुत अमेजिंग है। मतलब दुनिया में जितने भी वंडर्स हम लोग देखते हैं वो सब लोग का ये मिनिएचर यहाँ पे क्रिएट किया गया है। तो वहाँ पे जाने के लिए अलग से टिकट है, मैं आपको बता दूँ कि इको पार्क की एंट्री टिकट है 30 रुपीज़। उसके बाद जैसे जैसे आप आगे इनके और जो फन एक्टिविटीज़ हैं जैसे जैसे वो लेते जाओगे तो उसके भी आपको अलग से पे करने पड़ेंगे। ये नहीं है कि भाई एक बार टिकट ली और छुट्टी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लाइन बड़ी लंबी है तो इस वजह से दीप अभी लाइन में लगा हुआ है, टिकट लेंगे, टिकट लेके आपको अंदर जाके दिखाते हैं 7 वंडर ऑफ वर्ल्ड। यहाँ पे एक्चुअली क्या है, थोड़ी हम लोग सुस्ती मार गए तो उस वजह से यही सोच के कि भाई चलो थोड़ा सा दिन ढलेगा फिर जाएंगे, पहुँचते पहुँचते लेट हो गए। अब वेट नहीं ज़्यादा करते, अंदर चलते हैं और 7 वंडर ऑफ वर्ल्ड आपको साथ में एक्सप्लोर कराते हैं। एंट्री सबसे पहले होती है पिरामिड से, ये पिरामिड बना हुआ बहुत बड़ा। ये यहाँ पे एक स्टैचू बना हुआ है तूतनखामन का, जो कि इजिप्ट की पहचान है, मिस्र की। यहाँ से मैं पूरा व्यू आपको दिखा रहा हूँ, जो गीज़ा के पिरामिड्स हैं, ये जॉर्डन का पेट्रा मॉन्यूमेंट है, ये उसका एक रेप्लिका रेडी किया हुआ है। चलिए देखते हैं अंदर भी क्या है, ट्राई करते हैं। जो पेट्रा के अंदर जैसे सब बना हुआ है सेम वही चीज़ बनाई हुई है यहाँ पे भी, अच्छा है। मतलब जो लोग जॉर्डन नहीं जा सकते, रियल पेट्रा नहीं देख सकते, वो यहाँ पे आके अपना आपको एंटरटेन कर सकते हैं, अच्छी चीज़ बनी हुई है यार। हमारे दीप सिंह जी मज़ा लेते हुए पेट्रा का। लाइट में आओ, हाँ यहाँ पे आओ। अच्छा बनाया भी है। ये पेट्रा की देवी है, पीछे चीखे भी सुन रहे हो, इस पेट्रा की देवी की चीखे निकल गई बेचारों की। ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये ब्राज़ील का रियो डी जेनेरियो में बना हुआ है क्राइस्ट, कितनी ह्यूज स्टैचू बनाई हुई है देखिए, बहुत बहुत अमेजिंग लग रहा है यहाँ से। दोस्तों ये जो आप अभी देख रहे हो स्ट्रक्चर,
ये माओ स्ट्रक्चर्स हैं। ये स्ट्रक्चर जो बने हुए हैं, इनका जो हिस्ट्री है ना, वो ये है कि ये किसने बनाया किसी को कुछ नहीं पता। इनकी जो हाइट है वो 2.5 फीट से लेके 10 फीट तक की हाइट है। तरीके से ओरिजिनल है, उसी तरीके से यहाँ पे बिल्डअप किया गया सारा। मुझे तो यार बहुत मज़ा आ रहा है ये सब चीज़ें देख के। ये वो चीज़ें हैं जो हम लोग रियल पता नहीं कब देखेंगे कब नहीं देखेंगे। वो तो है कि देखेंगे, बट यहाँ पे देखने का एक मज़ा ही अलग है। तो जिसने भी ये आइडिया बनाया ना, बहुत ज़बरदस्त बनाया कि इको पार्क में ये सब कुछ यहाँ पे कंपाइल करने का। इन स्कल्पचर्स को इसी तरीके सेटअप किया गया है यहाँ पे, जैसे ये ओरिजिनल फॉर्म में है, क्योंकि काफ़ी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो ऐसे ही अपना ज़मीन में अभी दबे हुए हैं, जो उनको निकाला नहीं जा सका। ये इनकी टोटल जो गिनती बताई गई है ना, वो गिनती करीबन यही 400 के करीब बताई गई है। अब यहाँ से चलते हैं अपने ताजमहल को देखने। दोस्तों ये है हिंदुस्तान की शान, जो लोग इसको पहचान रहे हैं उनको पता है। ताजमहल माना जाता है कि ये प्यार का प्रतीक है। बहुत अच्छी चीज़ बनी हुई है, और इसमें सबसे जो बड़ी ब्यूटी नज़र आ रही है ना, वो ये आ रही है, इसका मिनिएचर बनाने में भी प्रॉपर काम किया गया। देखिए फ्रंट में कारीगरी बहुत ज़बरदस्त की गई है। अभी ऊपर तो मैं नहीं जाऊँगा, काफ़ी रश है यहाँ पे। दोस्तों अभी जो आप फुटेज देख रहे हो, जो वीडियो देख रहे हो, ये अभी आपको प्रॉपरली विजिबल नहीं होगा क्योंकि आगे पेड़ बहुत ज़्यादा है। ये बनी हुई है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। आज ये भी अपना सपना पूरा हो जाएगा, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के ऊपर चढ़ते हैं। चलो जी, हम भी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पे चढ़ जाएं। ये जो जगह ना, मेन जो मुझे नज़र आ रहा है कि फैमिली के लिए आउटिंग के लिए है। काश कि यार दिन में थोड़ी हिम्मत करी होती ना हमने, गर्मी झेलने की ताकत होती तो दिन में ज़रूर देखते इसको। पर चलो कोई बात नहीं, रात का मज़ा अलग है। अमेजिंग है यार, बहुत बहुत ज़बरदस्त चीज़ बनी हुई है। कभी देखा आपने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के ऊपर से ताजमहल दिख रहा है आपको? कोलकाता में वो भी हो सकता है। जितना मैंने अभी तक वीडियोस में या जो भी देखा है अभी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को, अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो 10 में से 9.5 नंबर मिलेंगे जो ये बनाया हुआ है। बहुत ज़बरदस्त चीज़ बनी हुई है यार। दोस्तों अभी जो ये आप सामने बिल्डिंग देख रहे हो, ये कोलेजियम है, रोम का कोलेजियम है। ये इसके बाहर ग्लैडिएटर वॉरियर, बहुत से लोगों ने ग्लैडिएटर मूवी देखी होगी, उससे थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा आपको। इसके बारे में आपको एक चीज़ बता दूँ, ये सबसे पहले जो बनाए थे ये नीरो ने बनाए थे, जो रोम का एक इम्पीरियर था। उसका रीज़न क्या था कि लोगों का ध्यान जो है उनके मेन जो मुद्दे थे उससे हटा के, तो उनको मतलब ऐसे उलझाना कि आप सब बेसिक नीड्स हैं उनकी, जो डिमांड्स हैं उसको छोड़ दो। इसलिए उसने ये बना दिए कोलोजियम जगह जगह पे। यहाँ पे वॉरियर्स अपना लड़ाइयाँ करते थे कई। एक कोलोजियम तो सुनने में आया कि इतना बड़ा था जिसमें कि शिप से लड़ाई होती थी। मतलब वहाँ पे अंदर पानी भर दिया जाता था और वहाँ पे बहुत ज़्यादा शिप चलते थे, बहुत ज़्यादा तो नहीं, खैर 4-5 शिप चलते थे जो कि आपस में मिलके लड़ाई करते थे और लोगों का एंटरटेन करते थे। क्योंकि उस टाइम पे इंटरटेनमेंट का जो मेन सोर्स था वो कोलोजियम ही थे। इन्होंने भी उसी तरह से कोलोजियम का एक जो ये बनाया स्ट्रक्चर, देखने में बहुत मज़ेदार। अंदर से भी थोड़ा सा इसको देखते हैं कैसा है कैसा नहीं, तो अच्छा बना हुआ है। ये कोलोजियम के अंदर का व्यू है, जिस तरह से स्ट्रक्चर वहाँ पे रोम में बचा हुआ वही सेम इन्होंने यहाँ पे भी बनाया हुआ है। आपको यहाँ से आइडिया हो जाएगा कि इस तरीके से लोग बैठ के कोलोजियम में तो फाइट्स देखते थे ग्लैडिएटर्स की। और बीच में ये देखिए अभी जो आपको नज़र आ रहा है, ये बेस एक तरह से जैसे बना हुआ था, और इसके नीचे कमरे बने हुए थे जिसमें कुछ जानवर भी रखे जाते थे, जंगली जानवर जिनकी इंसानों के साथ लड़ाई की जाती थी। ये देखिए अभी शेर यहाँ पे बना हुआ है, मुझे दिख रहा है, आपको भी दिखेगा। ये देखिए, तो ऐसी चीज़ें बनाई जाती थी ताकि यहाँ पे मतलब दुनिया के अलग अलग जानवर पकड़ के लाए जाते थे जिनको इंसानों के साथ लड़ा के
लोगों को एंटरटेन किया जाता था। मतलब इस कोलोसियम का जो मेन रीज़न यही था कि बस लोगों को एंटरटेन करना है, और उनकी जो मेन टेंशंस है ना, या मेन जो ज़रूरतें हैं जो राजा का फ़र्ज था पूरी करनी, वो अपने लोग टेंशनें भूल जाएं, वो अपनी ज़रूरतें भूल जाएं और सिर्फ एंटरटेनमेंट में लगे रहें। यहाँ पे एक ये पूरा सेक्शन अलग अलग तरह के मास्क का बना हुआ है। आप दूर तक जहाँ तक देख सकते हो अलग अलग तरह के मास्क है। कोई भी वो सामने जो आपको वो वाला नज़र आ रहा है, ये जो मेरी फिंगर मैं टिप कर रहा हूँ, ये तूते खामन का है, मिश्र जो मम्मी मिली थी उसका। ये देखिए, ये है, इस पर लाइट थोड़ी कम है, पीछे भी आप देख रहे हो, वो देखो, हर तरह के मास्क यहाँ पे लगाए हुए हैं। ये देखिए, मतलब पूरा घूम फिर के आप देख सकते हो, तो चारों तरफ अगर सर्कल लगाते हैं तो बहुत बड़ा सर्कल बनता है, और सब जगह अलग अलग तरह के मास्क लगे हुए हैं यहाँ पे। काफ़ी अच्छी जगह बनाई, ये जानवरों के स्ट्रक्चर बने हुए हैं यहाँ पे, और भी हैं उस तरफ, मैं तो आपको वो भी दिखाता हूँ। यहाँ पे ये कितने सुंदर स्ट्रक्चर जो हैं जिराफ के बनाए गए हैं। मतलब मैं अब रात में ज़्यादा ना दिखा नहीं पा रहा हूँ, मतलब ऐसे वैसे लाइटिंग तो बहुत अच्छी है। मतलब ये बात है कि इन्होंने फ़ोटोग्राफी के लिए बहुत अच्छी जगह बना दी हुई है। प्रॉपर एक जगह के अलावा जहाँ भी आप शूट करने की कोशिश करोगे, ये देखो अभी जहाँ ऐसे देखोगे तो आपको काफ़ी अंधेरा आएगा। जैसे ये दीप खड़ा है, ये पूरा एक जंगल टाइप बनाया हुआ है यहाँ पे, ये बहुत प्यारी चीज़ बन रही है। ये देखिए यार, इस टाइम ना वाइब देखो, मतलब कितनी ज़बरदस्त है ये। मुझे अभी हम लोग तो वहीं से वापस जाने वाले थे, लेकिन अभी देखो यहाँ पे आ गए, और ये देखो, अरे वाह, ज़बरदस्त प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पे। तो कोशिश करते हैं यार उस तरफ चलते हैं। दोस्तों, इको पार्क का टूर हो गया ख़त्म, अब यहाँ से निकलते हैं, कुछ खाना पीना करते हैं। इस बार कोई ना रेस्टोरेंट वगैरह जाने का मूड नहीं है, अभी हम लोग चलेंगे, मतलब जो स्ट्रीट फूड होता है उसको ट्राई करते हैं, देखते हैं यहाँ पे वेज में क्या क्या ऑप्शन मिलती हैं। हमारे दीप जी को यही है कि पाजी रेस्टोरेंट वगैरह में नहीं जाना, स्ट्रीट फूड ट्राई करना है, तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। रास्ते में आते हुए हमने काफ़ी ज़्यादा स्टॉल्स वगैरह देखे थे लगे हुए एक जगह पर, तो वहाँ पर चलते हैं, ट्राई करते हैं क्या फूड अच्छा मिल सकता है। दोस्तों ये देखिए, यहाँ पे बहुत एक लंबी सारी लाइन लगी हुई है अलग अलग फूड आइटम्स की, और ये भी लोगों का एक तरह से नाइट आउट प्लेस ही है। वो पीछे एक मंदिर नज़र आ रहा है, अब मंदिर मुझे लगता है हनुमान जी का, वो जो कोलकाता में रहते हैं, तो मेरे को बताओ यार प्लीज़, जो भी वीडियो देख रहा है कि ये मंदिर कौन सा है, मुझे तो इतना आइडिया यहाँ से नहीं हो रहा। फ्रेंकली स्पीकिंग, ये मार्केट मेरे लिए तो है नहीं। दीप ने अपना जो अंदर एक खुजली होती है ना नॉनवेज वालों को, कि जो वेज खा रहे हैं, मेरे साथ इतने दिनों से वेज खा रहा है बेचारा, अभी उसको नॉनवेज की पूरी तगड़ी खुजली हो रही थी, तो अपना वो काम पूरा कर रहा है, अपना खाना पीना कर रहा है। मैं कभी कर तेरी मर्ज़ी। अभी सुदीपदा से बात हुई है, सुदीपदा आ रहे हैं, बोलते पाजी आप रुको वहीं पर, मैं आ रहा हूँ, इकट्ठे डिनर करने चलते हैं। अभी सुदीपदा आते हैं, उनके साथ थोड़ा घूमते हैं, थोड़ा सा कोलकाता को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सभी काम धंधे वाले आदमी यार मेरी तरह कोई विला हो तो थोड़ी आता है, इसलिए अब थोड़ा सा वेट करते हैं सुदीपदा का, आते हैं तो उनके साथ निकलते हैं, फिर देखते हैं क्या खाना पीना आज होता है। ये मुझे सामने एक भेलपूड़ी वाला नज़र आया यार, ये तो खा ही सकते हैं। चलो जब तक सुदीपदा आते हैं तब तक थोड़ा सा मंचिंग कर लेते हैं, देखते हैं क्या क्या है इसके पास। किस्मत का खेल देखो, जहाँ पे आया हूँ कुछ मिलने का चांस है, वहाँ पे कोई बंदा ही नहीं है। आया तो है आपका है, हाँ क्या क्या मिलेगा यार खाने को? झाल मुड़ी, भेलपुरी, पापड़ी, चाय। चल खिला यार कुछ, क्या खिलाएगा? क्या खाएगा बोलो, जो तेरा दिल करता खिला दे। बोलो ना क्या खाओ। अरे जो दिल करता खिला दे यार, कोई चक्कर, बस ज्यादा मिर्ची मत डालना, थोड़ा सा नॉर्मल रखना। वाह, नारियल वाला का डाल के बढ़िया चीज बनाई है बंदे ने, चलो देखते हैं ट्राई करते हैं। अरे वाह, चल गुड इवनिंग दादा, ये सुदीपदा आ गए, सुबह भी इनके साथ, शाम को भी इनके साथ। शाम को अपना जो है ना पसीने लगा, अपने तो शरीफ लोग। तो अभी दादा लेके आए ये ढाबे पे, ये ढाबा पे देखते हैं खाना पीना ट्राई करते हैं कैसा मिलता है। हेलो भाई दोस्तों, खाना आ गया हमारा, ये दम आलू है, ये नान हो गए, और ये दादा की सब्जी। अब ये देखो सुदीपदा, अभी खाना आ गया,
तो खाना खाते हैं। आपको मेरी आदत का पता है, खाना आ गया तो खाने का वेट नहीं कराना, फटाफट खाते हैं, खाना खा के आगे मिलता हूँ आपको। अभी खाना पीना हो गया, सब कुछ एकदम बढ़िया हुआ। अभी ये सुदीप दा खड़े हैं, वो थोड़ा सा अपने काम पे चालू है, इसलिए मैं उनका वीडियो उसको उनको वीडियो में नहीं ले रहा तो अपना सूटा सटा चल रहा है उनका। तो चलो अब इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, अब आपको मिलूंगा नेक्स्ट व्लॉग में। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। साइनिंग ऑफ जगजीत सिंह, बाय।